मौसम का हाल आपको बता देते हैं। एमपी में मौसम के तीन सिस्टम एक्टिव हैं जिसकी वजह से बारिश की संभावना है। 8 दिन से राज्य के दक्षिणी हिस्से में बारिश का दौर जारी है। इधर मंगलवार को भी कई जिलों में बारिश हुई। खंडवा में करीब 2.25 इंच पानी गिरा है। इंदौर और अलीराजपुर में भी बारिश हुई है। 25 अक्टूबर से पूर्वी हिस्से में बारिश होने की संभावनाएं जताई जा रही है। तो पचमढ़ी में तापमान में गिरावट दिखाई दी। रात का तापमान 17 डिग्री से भी कम है यहाँ पर। हालांकि सर्दी की दस्तक हुई है और इसी के साथ मौसम में बदलाव भी दिखाई दे रहा है। तीन सिस्टम एक्टिव हैं एमपी में मौसम के, जिसकी वजह से बारिश हो रही है। सीधे रुक करते हैं हमारे साथ रंजना दुबे, इस वक्त लाइव जुड़ गई। रंजना, क्या कुछ कहना है मौसम विभाग का, क्योंकि एक तरफ तापमान में भी गिरावट, सर्दी भी दस्तक दे चुकी है, दूसरी तरफ मौसम में भी बदलाव दिखाई दे रहा है। अजय, मध्य प्रदेश के मौसम की अगर अभी बात कर लें तो अलग अलग जो रंग है मौसम के बने हुए हैं। कभी सर्दी तो दोपहर में गर्मी, और कुछ जिले ऐसे हैं जहां पर हल्की हल्की जो बारिश है रिकॉर्ड हो रही है। फिलहाल मौसम विभाग का यही कहना है कि मध्य प्रदेश से जो मानसून है वो पूरी तरह विदाई ले चुका है, लेकिन अभी जिस तरीके से सिस्टम एक्टिव है उसका असर मध्य प्रदेश में लगातार दिखाई दे रहा है। और इसी का असर है कि अभी कुछ जिले ऐसे हैं जहाँ पर हल्की हल्की जो बारिश है वो आज भी रिकॉर्ड हो सकती है, और 1-2 दिन तक इसी तरह से जो बूंदाबांदी है वो दक्षिणी मध्य प्रदेश उस वहां पर रिकॉर्ड होते हुए नजर आ रही है। लेकिन 27 और 28 अक्टूबर की अगर बात कर ली जाए तो जो पूर्वी मध्य प्रदेश है वहां पर भी जो हल्की हल्की बारिश है वो होती हुई नजर आएगी। लेकिन 28 अक्टूबर के बाद पूरे मध्य प्रदेश में कहीं भी कोई सिस्टम इस तरीके से एक्टिव नहीं रहेगा जिससे बारिश की संभावनाएं नजर आए। लेकिन 1 नवंबर से अगर बात कर ली जाए तो नवंबर के महीने की शुरुआत के साथ ही जो बहुत तेज सर्दी का जो इंतजार लोग कर रहे हैं उसकी शुरुआत अगर कही जाए तो मध्य प्रदेश में होती हुई नजर आएगी, और दिन में भी जो लोग हैं उनको सर्दी का एहसास होगा। लेकिन अभी अक्टूबर के जाते जाते जिस तरीके से मौसम का बदला हुआ रंग है जया, वो इसी तरह से अभी नजर आएगा। कहीं हल्की हल्की बारिश तो कहीं हल्की सी गर्मी, और कहीं पर जो हल्की हल्की ठंडक है वो देखने को मिलेगी। यानी कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो अभी मिला जुला जो मौसम है वो नजर आएगा पूरे प्रदेश भर में। शुक्रिया आपका रंजना जानकारी के लिए।